दोस्तों यूरेनियम कितना खतरनाक और भयानक पदार्थ है, इस बात को जानने के लिए आपको हमारे वीडियो को पूरा देखना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में यूरेनियम की भयानकता का पूरा सच बताऊंगा, तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों यूरेनियम कितना भयानक है, इस बात का पता हमें साल 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु हमलों से लगता है। साल 1947 में जापान के इन दोनों शहरों पर गिराए गए परमाणु बम्बों में यूरेनियम का ही उपयोग किया गया था और यह इतना खतरनाक साबित हुआ था कि हमला होने के कई सालों बाद तक इसका असर उन शहरों पर देखा गया। दोस्तों जब 6 अगस्त 1947 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर अपना पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था, तो इससे हिरोशिमा में बहुत तबाही मची थी। लिटिल बॉय यूरेनियम से बना हुआ था और ये 10 फुट लंबा और 4400 किलोग्राम भारी था, जिससे हिरोशिमा में रहने वाले 30% लोग विस्फोट के तुरंत बाद मर गए और बाकी के लोग इस भयानक विस्फोट के कारण पैदा हुई रेडिएशन और गर्मी के कारण धीरे धीरे मरने लगे। दोस्तों यूरेनियम से बने इस भयानक परमाणु बम ने इतनी तबाही मचाई कि उस समय 80,000 से ज्यादा लोग हिरोशिमा में मारे गए। उसके बाद 9 अगस्त 1947 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर अमेरिका द्वारा एक और यूरेनियम से बने परमाणु बम का हमला किया गया। दोस्तों यूरेनियम द्वारा बने इस दूसरे बम का नाम फैट मैन था, जिसने इतनी भारी तबाही मचाई कि इसके विस्फोट से 74,000 लोगों की मौत एक झटके में ही हो गई और 74,000 लोग इस हमले के दौरान घायल हो गए। दोस्तों अमेरिका द्वारा किए गए इन परमाणु हमलों से जापान के इन दोनों शहरों में बहुत भारी विनाश फैला था, जिसका असर परमाणु हमला होने के कई सालों बाद तक जापान पर रहा, जिससे इन शहरों में फैली रेडिएशन के कारण वहां के लोगों और जानवरों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों यूरेनियम की रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है कि जिससे रेडिएशन वाले इलाके में पैदा होने वाले बच्चे विकलांग और कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं और रेडिएशन के कारण बेचारे बेजुबान जानवरों को भी बिना कसूर मरना पड़ता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूरेनियम कितना खतरनाक और भयानक पदार्थ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूले। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।